हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको मासान निकालने की ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को ध्यान से आप समझिएगा। देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन दो संख्याओं 36 और 128 दी गई है, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मासान किस तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए दो मेथड बताऊंगा। यहाँ पे इन दोनों मेथडों में आपको जो भी सिंपल लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अगर बाई चांस सबसे अगर ये भी कह दे यानी कि भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए तो हम भाग विधि द्वारा भी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और अगर हमसे कह सकता है यानी गुणनखंड विधि द्वारा तो गुणनखंड विधि द्वारा भी हम इसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, तो भाग विधि की और एक गुणनखंड विधि की। तो सबसे पहले हम भाग विधि के लिए चलते हैं। तो यहाँ कहेंगे देखिए हम 36 से 128 के लिए भाग, तो देखिए भाग करेंगे इसमें देखिए वो वाला भाग नहीं होता है जो हम करते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस वाला भाग होता है, उस भाग को ध्यान से समझिएगा। देखिए 36 से इसमें ऐसा भाग करेंगे कि पूरे स्टेप में भाग जाए, या तो पूरा स्टेप आए या पूरा नहीं आ रहा तो उससे कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ना हो। तो देखिये 36 दिया होता है 108, ठीक है, इसे घटाएंगे 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 2 बचा, 1 में से गया 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारे पास 20 बचा। अब ये वाला 36 है वो यहाँ उतारना है आपको, ठीक, यहाँ लिख लिया हमने। अब 20 से 36 में भाग करना है, तो 20 इक्वल 20 होता है, फिर इसे घटाएंगे हम, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 1 बचा। फिर अब क्या करेंगे हम, इस 20 को यहाँ लाएंगे, हमारे पास यहाँ 20 आ गया। अब 16 इक्वल 16, इसको जब हम घटाएंगे यहाँ पे हमारे पास 4 बचता है, ठीक है। अब हमारे पास ये 16 है, 16 को यहाँ लिखेंगे हम, अब इसमें भाग करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास महत्तम समावर्तक जिसको यानी कि शॉर्ट में मासा को बोलते हैं, तो हमारे पास यानी कि मासा आ जाएगा, मासा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक है। तो हमारे पास 4 होगा, ठीक है, जो भी यानी कि 4 से डिवाइड होगा पूरी पूरी संख्या जिससे पूरी कटेगी, ठीक है, वो ही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। दूसरा मेथड हमारे पास होता है जैसे हमने लिखा है 36 और यहाँ लिख लिया हमने 128, ये लिख लिया, यहाँ कामा लगा दिया हमने, ठीक है, इसको हम काटेंगे। तो इसमें देखिए आभास गुणनखंड ही हमको करना है। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 एक 2, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छम 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा यानी कि 2 नीम 18 और 2 तिया 6, 2 नीम 4, फिर काटेंगे हम इसको। देखे अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यानी कि अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 9 और 32 अलग अलग पाड़े से कटेंगे, लेकिन इसमें जब भी मासा पूछता है तो हम तब तक उस मानों को काटते हैं जब तक दोनों स्टेप उन्हीं संख्याओं से कटते रहे। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अब इसमें हम 3 से काट लें, इसको 2 से अलग काट लें, ऐसा नहीं होता है। उसको तब तक काटना होता है जब तक एक ही पाड़े से ये संख्या कटती होती है। तो देखिए हमारे पास अब ये अलग अलग पाड़े से कटने वाली संख्या है, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HCF, जिसे मासा बोलते हैं, HCF ये वाली संख्या आएगी हमारे पास 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल गया था, ठीक है। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।